वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले अफरोजिया जो है ओल्ड एज होम के बारे में हमें आगाह कर रही थी कि वो अब जो है नेक्स्ट स्टेप क्या उठाने वाली हैं, ओल्ड एज होम जो है वो बनाने वाली हैं। तो अभी आपका ओल्ड एज होम का सिर्फ माइंड में आइडिया ही आया या कुछ तश्कील भी पहुंचाया है आपने इस काम को? सुने, तश्कील क्या पहुँचाना है, अभी फ़िलहाल तो आप मेरे घर पर जाके देखें, तीन खवातीन तो मेरे घर में हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसी कुछ, एक तो ऐसी हैं जिनके हस्बैंड इंतकाल कर गए, औलाद उनकी नहीं है, तो जाहिर है वो किसी एक जगह पे तो नहीं रह सकती ना, खुदा ना खासा कोई रात को मसला हो जाए। ठीक है, कुछ ऐसी हैं जिनके शोहरों ने निकाल दिए, कुछ ऐसी हैं जिनके बच्चों ने निकाल दिए, तो मैं तो कर रही हूँ ना ये, तो मैं अपने घर में भी अपना ओल्ड एज होम बना के बैठी हूँ। सही, बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। आप हुकूमती नुमाइंदों से क्या अपील करना चाहेंगी कि इस तरह की जो एनजीओज हैं उनको एक सालाना डोनेशन प्रोवाइड किया जाए कि हर साल ऐसे लोगों, जो मुस्तहिक लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं या इस तरह के गरीब लोग जो हैं, उनको इस तरह से डोनेशन प्रोवाइड किया जाए एनजीओज को, ताकि उनके ज़रिए उन गरीब और मुस्तहिक लोगों तक इमदाद पहुँच सके? देखें, हुकूमत से क्या हम गुजारिश करें, ज़ाहिर है हुकूमत को तो खुद सोचना चाहिए इस बारे में कि जो है जिनके पास है वो तो एनजीओ चलो काम कर रही हैं, जो छोटी एनजीओ है जो कुछ करना चाहती हैं, हकीकत में जो करना चाहती हैं, तो उनको थोड़ी सी सपोर्ट करें ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सकें। और मुखैर हजरात भी इनको देखें, जो छोटी एनजीओ हैं जो काम कर रही हैं, पहले काम को देखें कि वो काम कर रही हैं या नहीं, काम अगर कर रही है वो एनजीओ तो उसको सपोर्ट करें, लाजमी सपोर्ट करें। तो आप किस तरह की सपोर्ट चाह रही हैं आला अहदेदारान से कि आए आपकी एनजीओ पर विजिट भी करें, क्योंकि यहाँ पर आके देखें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन मशीनरीज की ज़रूरत है, वो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएं? देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हॉस्पिटल में आके विजिट करें, एक छोटा सा गरीब बस्ती में है, उसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ों की नीड है, ज़ाहिर है कहाँ तक चलेंगी चीज़ें, ज़रूरत तो होती है ना, अल्ट्रासाउंड मशीन है, उसकी नीड है, एम्बुलेंस है, ठीक है, तो कुछ जैसे कुछ एक दो बेड की नीड है मुझे, तो मैं ये नहीं चाहती कि मुझे इतना चाहिए इतना चाहिए, मुझे जो नीड है मुझे बस वही चाहिए। कभी आपने किसी पॉलिटिशियन से आला अहदेदारान जो है उनको अप्रोच करने की कोशिश की, उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, उनसे टाइम लिया कि वो आए आपकी एनजीओ का विजिट करें, या कोई ऐसे सेमिनार जिसमें आपने उन्हें अप्रोच किया हो उनकी जानिब से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया हो या नहीं आया? क्योंकि लोग जो हैं वो काफ़ी कतराते हैं कि यार अब हमें ह्यूज डोनेशन जो है वो देना पड़ जाएगा, क्योंकि एक हमारा नाम है और रिस्पेक्ट का सवाल भी है, तो क्या इस तरह से कभी कोई आपने सिचुएशन को फेस किया? जी, ऐसा भी होता है कि वो वैसे तो आने से ही इनकार कर देते हैं कि जी नहीं, अभी तो हम यहाँ नहीं हैं, अभी तो हम आउट ऑफ सिटी हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो हम नहीं आ सकते, तो कभी कभार जैसे जैसे वो करने से आते हैं तो वो फिर कोई ऐसा नहीं कि वो कोई चीज़ दे के जाएँ, वो कहते हैं सिर्फ हमारा नाम ही काफ़ी है कि हम इनके प्रोग्राम में आ गए और हमारे नाम से इनका प्रोग्राम जो है ना वो हो गया, इतना कभी नहीं किया कि चलो। तो ऐसे अहदेदारानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, क्या अर्ज करना चाहेंगी? बस अल्लाह ही इनको हदायत दे, बस क्या इन अहदेदारों को बोले हम। और इमरान खान साहब जो कि वजीर आजम है, उन तक अगर आप कोई मैसेज पहुंचाना चाहें हमारे चैनल के तवस्सुल से कि इस तरह की एनजीओज को जो है उनकी जानिब से भी सपोर्ट देनी चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं तो यही कहूंगी कि उन्होंने माशाल्लाह इतने अच्छे काम किए हैं, इतने अच्छे किए हैं, लेकिन थोड़ा सा एनजीओज के भी ऊपर थोड़ा सा वो देखें कि हाँ भाई ये फंड थोड़ा सा है ये एनजीओज के लिए है, उन एनजीओज के लिए है जो इंटरनेशनल नहीं है, जो लोकल एनजीओज हैं जो अपना हकीकत में काम कर रही हैं, इंटरनेशनल जो हैं वो तो जाहिर है काम कर रही हैं, माशाल्लाह अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन हमें भी तो ज़रूरत है ना कि हम तो इंटरनेशनल नहीं हैं, हम लोकल पैमाने पे काम करते हैं, हमें भी देखना चाहिए और हमारे लिए कोई ऐसा फ़ंड रखना चाहिए छोटी एनजीओज के लिए, ताकि हम जो है लोगों से भीख ना मांगें, ताकि हमें गवर्नमेंट जो है ना वो सपोर्ट करे, हम बड़े अच्छे तरीके से काम करें। अगर देखें एनजीओज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अगर एनजीओज ना होती तो ये गरीब आवाम रुल जाते। सही, तो आप और मज़ीद क्या मैसेज देना चाहेंगी कि किस तरह से आपको डोनेशन अगर कोई देना चाह रहा हो, हमारा प्रोग्राम जो है वो नाज़रीन हमारे देख रहे हैं और होपफुली कि वो सोच भी रहे होंगे कि वो कुछ ना कुछ आपकी एनजीओ को जो है वो डोनेट भी कर सकें, तो क्या किस तरह से वो आपसे कॉन्टैक्ट करें, तो कुछ आप कोई अपना कॉन्टैक्ट या कोई एड्रेस बताना चाहें हमारे प्रोग्राम के तवस्सुल से? जी, मेरा तब्बो का पेज है, तो मेरे तब्बो के पेज पे कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं और जो है अकाउंट नंबर मेरी वेबसाइट में है, तो अकाउंट नंबर भी मेरा है वहाँ, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, किसी ने कॉन्टैक्ट करना हो तो इजी जो है ना कॉन्टैक्ट हो जाएगा। और मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ, जो भी कोई दे, लेकिन तब्बो पे एक दफ़ा भरोसा लाजमी करे,
ये आपका दिया हुआ पैसा, क्योंकि हमने देखा है ना अक्सर इस तरह से मैसेजेस भी जो हैं वो रोटेट कर रहे होते हैं कि यार आप इस लड़की की शादी करा दें या इतना डोनेशन दे दें, तो लोग काफी मिसगाइड हो गए कि यार ये जो छोटी छोटी एनजीओज है ना ये फेक एनजीओज हैं, लोग मतलब झूठ बोलकर लोगों की मदद के ऊपर जो है फजूल में पैसे अपनी लग्जरीज के लिए ना। तो हम तो ये कहते हैं उन गरीबों की शादी में शामिल हो जाए, सही आप आए अपने हाथों से करें, उनका खाना करें, उनको जहेज दे, मैं अपने घर में नहीं लेके जा रही, आप जाएं खुद उनके घर पे चल के जाएं, मैं उनको घर बताऊंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मुझे दें, ऐसे काम हम नहीं करते, अपने हाथों से जाएं, उनके हाथ सर पे हाथ रखें, बच्चियों को अलविदा करवाएं। सही, बहुत अच्छा लगा अफरोजिया आप जो अपनी एनजीओ चला रही हैं और जो हमारी आवाम देख रही है और जो हमारा प्रोग्राम लोगों तक जा रहा है, तो ज़रूर उनके दिल में एक उम्मीद की किरण जागी होगी और वो इंशाल्लाह ज़रूर आपकी एनजीओ को जो है वो सपोर्ट भी करेंगे। और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और इसी के साथ ही प्रोग्राम जो है अपने अख्तिताम को पहुँचा है। अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।